जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्या स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग पे। मेरे भाई बहन और मेरे पापा खा पी करके निकल गए हैं अपने अपने कामों में, तो मैं घर में अकेले हूँ अभी। और मैं भी रैपिडो में काम करने के लिए अभी ऑनलाइन हो रहा हूँ घर से ही, और घर पे ही रह के मैं वेट कर रहा हूँ राइड के लिए। 1.5 घंटा वेट करने के बाद मुझे एक राइड मिला था जिसका पिकअप लोकेशन काफ़ी दूर का था, लगभग 2 किलोमीटर का था, तो मैंने राइड एक्सेप्ट किया ही नहीं। उसके कुछ देर बाद फिर से एक राइड मिला था, वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका पिकअप लोकेशन दूर का था। तीसरा राइड मुझे मिला था कुंदाग से कांटाटोली बस स्टैंड के लिए, तो मैंने उनको भी ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। कांटाटोली चौक से एक राइड आया है, उनको जाना है रिम्स हॉस्पिटल, तो मैंने राइड एक्सेप्ट कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने। ये रहा रांची का रिम्स हॉस्पिटल, अभी मैंने पैसेंजर को यहीं पर लाया है। उनके पापा को डायरिया हो गया है तो उसी का इलाज के लिए वो अभी बात करने आए हैं डॉक्टर से। तो दोस्तों अभी मुझे दूसरा राइड भी आ चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने के लिए। मैंने पैसेंजर को उनके ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचा दिया है और अभी मुझे एक नया राइड आ रहा है, तो मैं जाता हूँ उनको लेने के लिए। ये राइड है सरना टोली से, कोकर सरना टोली, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ लेकिन पैसेंजर अभी तक से नहीं आया है, तो अभी मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। और आज रांची का मौसम पूरा बदला हुआ है, बारिश होने वाला है और मैं रेनकोट भी नहीं लाया हूँ, आज अच्छा खासा फंसने वाला हूँ मैं। पैसेंजर ने राइड ही कैंसिल कर दिया हो सके बारिश की वजह से, तो मैं तो फंस चुका हूँ दोस्तों अभी यहाँ पे। दोस्तों एक राइड आ गया है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बारिश में भींगते भींगते मैं पैसेंजर के लोकेशन पे पहुँच चुका था और उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया बारिश, तो मैं जगह देख करके बच गया यहाँ पे एक अनकम्प्लीटेड घर में। बारिश कम हुआ तो पैसेंजर को मैंने कॉल किया, तो वो बोलने लगा कि मुझे नहीं जाना है, बारिश हो रहा है, तो अभी मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ बारिश कम होने का और नेक्स्ट राइड का भी। यहीं पे एक गाड़ी फंस चुका है और ये गाड़ी शायद सामान लेने आया था, ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है बारिश होने की वजह से, कुछ लोग ढक दिए इसको। शायद इस वाले घर में शादी था, उसी का सामान है ये। ये गाड़ी, इस गाड़ी को पीछे में बांध के कितने कोशिश कर रहे हैं और लड़का लोग पूछ रहे हैं, दम लगा रहा है उसको बांधने के लिए। दोस्तों गाड़ी तो निकल नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। मेरा एक राइड आया है, इसको मैं सरना टोली लेने आया था, उसी का राइड है फिर से, तो उनको जाना है पेट्रोल पंप कोकर का, वहाँ से पेट्रोल लेना है और वापस आना है उनको, जहाँ से भी लेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल अभी जाते हैं उनको लेने के लिए। इन्हीं को मैं सरना टोली कोकर से कोकर पेट्रोल पंप में ले गया था पेट्रोल लाने के लिए। भैया पेट्रोल ले करके वापस लौटे हैं और अपना गाड़ी में तेल डाल रहे हैं, ये मुझे डबल भाड़ा देने वाले हैं। दोस्तों एक राइड आ चुका है कोकर से ही, उनको जाना है पंजाब स्वीट्स मेन रोड के पास। दोस्तों मैंने इस राइड को भी कंप्लीट कर लिया है, पैसेंजर को उनके ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ दिया है पंजाब स्वीट्स। अब कुछ महीने पहले मैंने एक पैसेंजर को सेटेलाइट कॉलोनी से एयरपोर्ट छोड़ा था, तो उसने मुझे आज फिर से कॉल किया है और मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो अभी पैसेंजर के बताए हुए लोकेशन सेल ऑफिस के पास मैं पहुँच चुका हूँ, मेन रोड का पंजाब स्वीट्स के पास से। तो ये राइड जो है ऑफलाइन राइड होने वाला है, तो मैं उनसे 150 रुपये मांगने वाला हूँ क्योंकि मैं मेन रोड से यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। दोस्तों मैंने पैसेंजर को पहुँचा दिया एयरपोर्ट में और मुझे 150 के जगह में 100 रुपये मिला है। पैसेंजर को 150 रुपये ज़्यादा लगा, 100 रुपये दिया उसने। दोस्तों एयरपोर्ट से मुझे एक राइड मिला है और बाज़ार के लिए, अभी मैं उनको दिल्ली के जा ही रहा था, तो हीरो चौक में एक मंदिर है वहाँ पर रुके हैं, कल उनका एग्ज़ाम है तो यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। जैसे वो आते हैं तो हम लोग फिर चलेंगे अपने मंजिल की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट ड्राइव एयरपोर्ट से अट्ठा बजाने वाला था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया और अभी घर आके डिनर भी कर लिया। तो दोस्तों आज का टोटल मेरा राइड ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके 7 राइड था और 5 राइड कस्टमर ने कैंसिल कर दिया और आज मेरे से 12 राइड मिस हो गया। कुछ राइड तो मैंने जानबूझ करके एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पिकअप लोकेशन बहुत दूर दूर का था, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का था और राइड बहुत छोटा छोटा था, इनकम भी होता तो ज़्यादा नहीं होता।
40 रुपया 30 रुपया ऐसा हो रहा है, तो मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। और आज बारिश भी हुआ था दोस्तों, तो मैं रेनकोट लेके नहीं गया था, भीग गया था, कल से रेनकोट लेके जाना पड़ेगा ड्राइव पे। तो दोस्तों आज का इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, जय हिंद।